भाई बस मेरे हाथ और पैर नहीं हैं, दोनों के दोनों फिंगर्स हैं, हैंड्स की और पैर की दो जुड़ी हुई हैं। लेकिन ये मुझे ठीक है, लेकिन क्योंकि फैमिली ने सपोर्ट किया कि उसने कभी ये नहीं दिखाया कि हम ये हैंडीकैप तुम्हें, ये उन्होंने अपना फुल सपोर्ट दिया। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे स्कूल में हम जाते थे, स्कूल में हम पहले एडमिशन लेने गए, हमको नहीं मिली एडमिशन कि मैं एबनॉर्मल हूँ। उन्होंने कहा कि ये बच्चा एबनॉर्मल है, क्योंकि लिखा तो जाता नहीं था, मेरी हैंड्स फोल नहीं होती थी, फिंगर्स फोल नहीं होती, पेंसिल नहीं पकड़ी जाती थी, फोल नहीं होती थी, स्टे नहीं होती थी। जैसे जैसे फादर ने और मदर ने प्रैक्टिस करवाई घर पे लिखने की, हाथ पकड़ के लिखना सिखाया, लेकिन वो फोल नहीं होने की वजह से वो भी नहीं, मतलब लिखा नहीं गया। फिर मैंने प्रैक्टिस की, दोनों हाथ लिखना शुरू किया, जैसे जैसे आते आते परफेक्शन हुई, हाथ यूज्ड टू हुए, फिर ऐसे वो इसी स्कूल में मैंने एडमिशन ली जिसने मना किया था। ड्रीम मेरा यही है कि मैं इसको, मतलब जैसे मेरे को कई खुद को सोचते हैं कि मैं हैंडीकैप्ट हूँ, बस उनको नहीं, इस एज एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, एज इंस्पिरेशन कि आप एग्जाम्पल, आपको हैंडीकैप ना समझें, कि अगर आपको भगवान ने कुछ लिया है तो बहुत कुछ दिया भी है। जैसे आप, हम अक्सर आप सुनते रहते हैं कि बस यही है कि हाँ भाई, एवरी मैन इज नॉट परफेक्ट, वी हैव टू परफेक्ट इन ओन देयर वे। जैसे कि हमको खुद परफेक्ट होना पड़ता है, कोई बंदा परफेक्ट तो आता नहीं है, इसलिए बस जो भी है हैंडीकैप समझता है उसको हैंडीकैप नहीं समझ चाहिए।